तो गेम को आए हुए ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो चुके हैं और ज़्यादातर लोग स्प्रे देने के लिए M4 का यूज़ करते हैं और स्कारल को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि स्कारल एक्चुअली में बेटर है M4 से, तो सो हे गाइस, एरिन हियर। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों गन्स का डैमेज कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी गन बेटर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे अगर सामने बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट है तो आप लोगों को कितने शॉट्स फायर करने पड़ेंगे M4 से। तो गाइस, M4 से आपको 3 शॉट्स फायर करने पड़ेंगे अगर सामने बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट है। अब देखते हैं स्कारल से। तो गाइस, स्कारल से भी आपको 3 शॉट्स फायर करने पड़ेंगे। आई गेस हेडशॉट डैमेज दोनों गन्स का सेम है अगर सामने बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट है। तो गाइस, अब हम देखेंगे अगर सामने बंदे के पास लेवल 3 की वेस्ट है तो आप लोगों को कितने शॉट्स फायर करने पड़ेंगे M4 से। तो गैस, M4 से आपको 6 शॉट्स फायर करने पड़ेंगे अगर सामने बंदे के पास लेवल 3 की वेस्ट है। अब देखते हैं स्कारल से। तो गैस, स्कारल से आपको ओनली 5 शॉट्स फायर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बॉडी शॉट डैमेज स्कारल का M4 से ज़्यादा है। M4 से आपको 6 शॉट्स फायर करने पड़ेंगे और स्कारल से सिर्फ आपको 5 शॉट्स ही फायर करने हैं। और मैंने ये कंपैरिजन लेवल 2 हेलमेट वेस्ट के साथ भी किया था तो इसका रिजल्ट भी सेम ही था। हेड पर दोनों गन से आपको 2 शॉट्स फायर करने पड़ेंगे और बॉडी में M4 से 5 और स्कारल से 4। तो गैस, जब भी आप किसी से फाइट लेते हो तो ज़्यादातर आपके बॉडी शॉट्स ही कनेक्ट होते हैं, तो क्लियरली यहाँ पर स्कारल M4 को बीट कर देती है डैमेज कंपैरिजन में। अब गैस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किसका डैमेज ज़्यादा है और किसका कम। अब आपकी चॉइस है आपको कौन सी गन यूज़ करनी है। मैं अपनी बताऊँ तो मैंने M4 इतनी ज़्यादा यूज़ कर रखी है कि स्कारल को चलाने का मन ही नहीं करता, भले ही स्कारल का डैमेज ज़्यादा है और भले ही वो एक्चुअल में बेटर गन है M4 से। आप नीचे कमेंट कीजिए आप कौन सी गन यूज़ करेंगे, M4 या फिर स्कारल। तो गैस, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय गैस।